सुबह गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मास चैनल के ऊपर। तो आज हम फिर से खेलने वाला माइनक्राफ्ट, जिसके अंदर आज हम हमारी माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा कोई टारगेट तो है वैसे, लेकिन आज हम एक बैम्बू फॉर्म बनाएंगे विथ ओनली वन हुपर। तो मैं आज आपको ये बताऊँगा कि बैम्बू फॉर्म कैसे बनाएँ विथ ओनली वन हुपर। तो अगर आपको हमारी सर्वर सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना और कमेंट करना वीडियो कैसी लग रही हो। और अगर आपको मेरी वॉइस अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैंड लगाएंगे, क्योंकि बैम्बू में मेरे को लगता है सैंड पे ज़्यादा जल्दी उगती है, इसलिए मैं सैंड पे लगाना प्रेफर करूँगा बैम्बू को। और फिर सैंड हटा दिया, अब हम लगाएंगे कॉबलस्टोन साइड में। मैं चाहता तो डर्ट भी लगा सकता था, लेकिन कॉबलस्टोन थोड़े अच्छे ज़्यादा लगते हैं इसलिए। और मैंने वन ऊपर का इसलिए सोचा क्योंकि ये ना फिर ज़्यादा आयरन वेस्ट नहीं होंगे हमारे, और हमारे पास अभी आयरन फार्म भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आयरन फार्म भी बनाएंगे, तब तक के लिए तो कुछ जुगाड़ कराना बैठाना पड़ेगा ना मतलब। तो अब हम ग्लास लगा देते हैं, और ग्लास हमें संभल संभल के लगाना है, क्योंकि ग्लास एक बार लगाने के बाद तोड़ दिए तो वो वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने ग्लास लगा दिए, अब बस ग्लास का हो गया। अब हम पहले वाटर लेके आते हैं। अब ये वाटर तो लेके आ गए, अभी इसको इधर से डालेंगे ना तो ये वाटर फ्लो होते हुए उस साइड में जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में हुपर लगा देंगे, फिर उसको चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, बैम्बू लगा देता हूँ सब जगह पर। अरे ऊपर चढ़ जा भाई। अब यहाँ पर हम बैम्बू लगा देते हैं, अब बाकी का तो सब इजी प्रोसेस ही है। अब हमने यहाँ पे डर्ट लगा दी, अब इसको एक लेवल और ऊपर ले गया। और यहाँ पे पिस्टन लगाने हमें, तो स्टिकी पिस्टन मत लेना आप, सिंपल वाला लेना ना, येलो कलर का आते हैं ना वो, एक आयरन से एक बन जाता, मतलब एक आयरन इस्तेमाल आता उसके अंदर बस। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, अब सारे लगाते हैं, सारे मतलब इसके अड़ा अड़ा के लगा देते हैं, डर्ट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं नीचे। अब ये डर्ट भी हटा देते, एक पिस्टन कम पड़ गया, कोई बात नहीं मैं बाद में लगा दूंगा। अब ये ब्लॉक तोड़ देते हैं, अब यहाँ पे लगाना ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का जो रेड डॉट होता है ना वो पीछे की तरफ होना चाहिए। अब ये भी गलत लग गया ऑब्जर्वर, कितना गलत लगेंगे मतलब, लगा तो पहले ही गलत है लेकिन। लो अब ये डर्ट भी गलत लग गई, क्या करूँ मैं अब। तो अब सारे ऑब्जर्वर लगा के मिलते हैं। तो पहले यहाँ पे ऑब्जर्वर तो ये देखे मैंने सारे लगा दिए, अब यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे मतलब फार्म। अब यहाँ पे सारे कॉबलस्टोन लगा के मिलते हैं, अब सारे कॉबलस्टोन लगा दिए, अब इसको बस एक लेवल ऊपर करना बस, और कुछ नहीं करना बस। बाकी साइड का जो एक खाली रह गया ना वो मैं बाद में लगा दूंगा। अब यहाँ पे हमें कांच लगाने हैं, तो कांच में ना थोड़ी गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो टूट गया एक बार मेरे से, तो मतलब गलत लग गया, टूट गया क्या। अब कॉबलस्टोन ख़त्म हो गया, वो भी लगाने पड़ेंगे। अब ये गलत, अब ये वाला भी गलत लग गया, मतलब दो वेस्ट हो गया कुल मिला के। अब देख लो, अब लगा के मिलता हूँ सारा कांच, मतलब क्या। अब कांच लगाने से पहले हम हुपर और चेस्ट लगा देते हैं। अब यहाँ पे ये डर्ट माइन करी और यहाँ पे लगा दिया हुपर, अब इसको चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे, चेस्ट जो भी है, अब इसको चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे हम। अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा नहीं चल रही है, रोटन फ्लैश पड़ी उसको फेंक के देखते हैं कहाँ पे क्लिक हो गया। अब एक बार देखते हम कहाँ पे गया हमारा ये, चेस्ट में तो आया ही नहीं, गलत कनेक्ट कर दिया गाइस। चेस्ट को ऊपर को चेस्ट से कनेक्ट करते हैं, हाँ ऊपर बैठ के करना है तो ऊपर जाके करना पड़ेगा। हाँ इधर बैठ जाता हूँ, अब यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे वापस डालते हैं रोटन फ्लैश। हाँ ये चली गई, बहुत फास्ट गई लेकिन, ये कोई बात नहीं। अब क्या करना था मेरे को, हाँ अब मैं को कांच लगाने थे, लेकिन उससे पहले रेड स्टोन लगाना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो है ना ये ऑब्जर्वर के पीछे एक को रेड स्टोन लगाना है, लेकिन ये लग क्यों नहीं रहा। अरे लग जा भाई, अरे क्यों नहीं लग रहा,
अरे लग जा, अरे टॉर्च लगी हुई थी ना गाइस, मैं भी कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता हूँ। तो सारे रेड स्टोन लगा दिए मैंने, अब ये कांच भी लगा दिए। अब एक बार इसको चेक कर लेते कि काम कर रहा नहीं कर रहा है। तो मैं बोन मिल बना के लेके आया था, तो अब बोन मिल को यहाँ पे लगाना है। हाँ गाइस काम कर रहा, देख लो, दो तीन एक दो बार चेक कर लिया हमने, ये वर्क कर रहा है और चेस्ट के अंदर भी आ रहे हैं। रोटन फ्लैश निकाल देता हूँ, और पुराने हमारे पास 27 मतलब टोटल हो गए 27। तो बस अभी अपना भुगते रहेंगे और कटते रहेंगे, अब हमें कुछ काम नहीं करना है इसके अंदर। तो बस ये तो हमारा हो गया, और आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर देना, मतलब मैं कुछ भी कह रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।